Hey guys, welcome back to my channel. मेरे चैनल लव इज दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टोमेटो सूप की रेसिपी। तो टोमेटो सूप बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले टमाटर। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो के लगभग टमाटर लिया हुआ है और इसको अच्छे से धुल लिया है, और धुलने के बाद अब हम इसको मोटे मोटे पीस में कट करेंगे। इस वाले पार्ट को निकाल देना है ऊपर से। तो इसी तरीके से बाकी के टमाटरों को भी अच्छे से कट कर लेंगे। तो मैंने सारे टमाटरों को कट कर लिया है। तो अब हम इन टमाटर को कुकर में डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और थोड़ा सा नमक डाल के 3 सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसमें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसका ढक्कन बंद करेंगे, गैस को ऑन करेंगे और कुकर को रख देंगे और 3 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। तो 3 सीटी हमारी आ चुकी है, अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। प्रेशर निकल जाएगा तो फिर ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। तो ये देखिए, ये ठंडा हो चुका है। इसे हम एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसका छिलका नहीं उतारना है टमाटर का, इसको ऐसे ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो मैंने इसको एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लिया है टमाटर को, इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने इसकी स्मूथ प्यूरी बना ली है और अब हम इस टमाटर की प्यूरी को एक स्ट्रेनर में डाल के छान लेंगे अच्छे से। इसे चम्मच से ऐसे चलाते हुए छान लेना है। तो मैंने इसको अच्छे से छान लिया है और अब हम गैस को ऑन करेंगे। इस पे रखेंगे एक कढ़ाई, कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और इसमें डालेंगे बटर। बटर को थोड़ा मेल्ट होने देंगे। तो बटर मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और 4 लौंग। अब इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी का अच्छा सा बटर में फ्लेवर आ जाए। तो अब ये सब भुन चुका है, अब इसमें हम डालेंगे प्यूरी जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई हुई थी और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मिला दें इसे और इसमें एक उबाल आने दें। उबाल आने के लिए इसको हम थोड़ा ढक देते हैं और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें एक अच्छी सी बॉयल आ चुकी है। 2 से 3 मिनट लगता है इसको एक अच्छा उबाल लाने के लिए। और अब हम इस टाइम पे इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि मैंने बॉईल जब किया था टमाटर को तभी उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, तो इसलिए याद रहे इसमें थोड़ा सा ही नमक डाल दें, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। बस इसे थोड़ी देर के लिए और पकने दें, मैक्सिमम 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट हो चुका है, चाहे तो आप इसे ऐसे ही पी सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट चाहिए तो उसके लिए हम एक सीक्रेट इसमें डालेंगे। तो सीक्रेट यही है, कॉर्नफ्लोर। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़ा सा पानी डाल के कॉर्नफ्लोर में इसका एक घोल बना लेंगे। बस इस घोल को इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से चला दें और 2 मिनट के लिए ढक के पका लें एकदम लो फ्लेम पे। 2 मिनट हो चुका है, हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, 2 मिनट हो गया है और सूप हमारा रेडी है। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने दें, फिर इसको हम एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो सूप हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो मैंने सूप को सर्व कर लिया है और अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे अमूल क्रीम से, साथ ही में हम इसमें पुदीने की पत्ती ऐसे
गार्निशिंग के लिए लगा देंगे। तो बस सूप हमारा रेडी है, आप इसे सर्दियों में इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी सूप वाली। तो अगर आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे रेसिपीज़ को। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।